नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का कमेंट था कि सर जो ये अपना टाइम टेबल दिया गया है इसमें थ्योरी पेपर 1, 2, 3 से लेकर के 6 तक दिया गया है, तो कौन सा पेपर आपका किस दिन होगा, यानी कि 6 पेपर आपके 6 दिन होंगे, तो पहले दिन कौन सा पेपर होगा, दूसरे दिन कौन सा पेपर होगा, तीसरे दिन कौन सा होगा, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा आईडी, एचआई और वीआई सभी के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन, जो आईडीडी के स्टूडेंट हैं, इनका पहला पेपर 6 तारीख को, जिसका नाम है भैया इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, ठीक है। ऐसे ही 8 तारीख को जो आपका पेपर होगा, 8 तारीख को आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसके बाद में आपका 10 तारीख को जो पेपर होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसके बाद में जो आपका 12 तारीख को पेपर होगा वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा। इसके बाद में आपका 14 तारीख को पेपर करिकुलम डेवलपमेंट का होगा। इसके बाद में आपका 18 तारीख को जो पेपर होगा आईडीडी, जो हमारे ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इनके लिए भी जो आपका 18 तारीख को पेपर होगा, लास्ट पेपर आपका टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। ये आपके 6 पेपर आपको 6 दिन देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर साथ ही साथ आईडीडी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की, आईडीडी डीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। तो भैया सेकेंड ईयर के जो भी हमारे छात्र हैं, इनका पहला पेपर 6 तारीख को आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पेपर रहेगा एजुकेशन के बाद में, आपका 8वां पेपर जिसको आप लोग मेथड्स कहते हो, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, ये आपका रहेगा। उसके बाद में 10 तारीख को आपका पेपर रहेगा थेरेपी का पेपर रहेगा। 12 तारीख को आपका पेपर रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। 14 तारीख को आपका पेपर रहेगा फैमिली एंड कम्युनिटी। और आपका 12वां पेपर है, यानी कि आपका जो इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड, तो ये आपका 12वां पेपर है, ये आपको 18 तारीख को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे एचआई के स्टूडेंट हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन डीएड एसईएचआई। तो हमारे जो एचआई के स्टूडेंट हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, तो भैया कहेंगे जो आप उनका पहला पेपर है एचआई के स्टूडेंट का, तो पहला पेपर उनका रहेगा जो सभी का कॉमन पेपर है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इसके बाद में आपका दूसरा पेपर रहेगा जो आपका फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग, अगर हम बात करें तो वहाँ पर होगा आपका ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट।
उसके बाद में आपका तीसरा पेपर रहेगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का। उसके बाद में आपका चौथा पेपर जो रहेगा वो रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। उसके बाद में आपका जो पांचवा पेपर रहेगा वो फंडामेंटल ऑफ स्पीच का रहेगा, किसका रहेगा, स्पीच का रहेगा। और आपका छठा पेपर जो लास्ट होगा वो करिकुलम स्ट्रेटजीज का रहेगा। तो ये आपके छः पेपर होंगे आपके यहाँ पर। सिलेबस भी अपलोड किया गया था, वहाँ पर सारी चीज़ें दी गई थी। अब हम बात करते हैं एचआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की। एचआई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, वो भी एचआई के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की। तो पहला पेपर भैया इनका इंक्लूसिव, ठीक है, सॉरी एजुकेशन इन द इमरजेंसी रिसोर्स है। सेवन्थ पेपर आपका पहला पेपर, यानी कि छः तारीख को आपका पेपर होगा एजुकेशन इन द इमरजेंसी सोसाइटी। उसके बाद में आपका जो ये तो आपका सातवां पेपर हो गया। इसके बाद में आपका आठवां पेपर आपका जो रहेगा आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये आपका आठवां पेपर, यानी कि आपका दूसरे दिन पेपर 8 तारीख को। इसके बाद 10 तारीख को आपका पेपर रहेगा कंटेंट ऑफ मैथोलॉजी, है ना, मैथ का जो आपका पेपर है वो आपका कंटेंट ऑफ मैथोलॉजी का जो पेपर है वो आपका रहेगा 10 तारीख को, कंटेंट ऑफ मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस और मैथ, ठीक है, टीचिंग साइंस और मैथ। तो ये पेपर आपका रहेगा आपका 10 तारीख को। इसके बाद में आपका यहाँ पर पेपर 11 तारीख को आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, और 14 तारीख को आपका पेपर फैमिली एंड कम्युनिटी, और 18 तारीख को जो आपका पेपर रहेगा वो आपका रहेगा कंटेंट ऑफ मैथोलॉजी, जो भी आपका ईवीएस और सोशल साइंस का। तो ये आपके 6 के 6 पेपर यहाँ पर आपके रहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके वीआई के छात्र जो भी हैं यहाँ पर, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों चाहे वो सेकेंड ईयर के हों। तो यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे वीआई के स्टूडेंट। पहले वीआई फर्स्ट ईयर, डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो जो इनका पहला पेपर रहेगा सभी का, जिसे कॉमन पेपर है, तो पहला पेपर आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, पहले दिन 6 तारीख को, है ना, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। इसके बाद में आपका 8 तारीख को जो पेपर रहेगा साइको एजुकेशनल, जो आपका है साइको एजुकेशनल इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, तो ये आपका पेपर रहेगा 8 तारीख को। इसके बाद में 10 तारीख को जो आपका पेपर रहेगा वो आपका रहेगा ईवीएस का, यानी कि पैडागॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि ईवीएस और सोशल साइंस, ये आपका रहेगा 10 तारीख को। इसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका 11 तारीख को। इसके बाद में एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विज़न का पेपर आपको 14 तारीख को, और 18 तारीख को आपका पेपर मिलेगा पैडागॉजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसका आपका जो है पेपर आपको 18 तारीख को देखने को मिलेगा। तो ये पेपर आपके फर्स्ट ईयर के। इसी प्रकार से आपका सेकेंड ईयर के जो भी यहाँ पर छात्र हैं वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको एजुकेशन जो है आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी पेपर नंबर 7th जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6 तारीख को। इसके बाद में जो आपकी टीचिंग है, जो कोर करिकुलम टू चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न है, ये आपको देखने को मिलेगा 8 तारीख को। इसके बाद में तीसरे दिन आपका पैडागॉजी ऑफ साइंस एजुकेशन का जो पेपर है वो आपको 10 तारीख को। इसके बाद में आपका 11 तारीख का इंक्लूसिव एजुकेशन, 12 तारीख का आपका फैमिली, और लास्ट में जो आपका पेपर बचेगा जो आपका पैडागॉजी ऑफ मैथ एजुकेशन का, पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन का, ये आपका लास्ट डे यानी कि 18 तारीख को रहेगा। तो आप लोगों का ये जो डाउट था कि सर किस दिन कौन सा पेपर रहेगा, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जितने भी भाई बहन हैं चैनल पर पहली बार हैं और बहुत सारी आपका वीडियोस इंतज़ार कर रही हैं,
ये मान के चलिए कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक सारी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, आपके मॉडल पेपर, सभी चीज़ें। तो सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा, हर बार की तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।